नीचल की आंचल गंगवाल पर पूरे राज्य को गर्व है। एक चाय वाले की बेटी आज इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बन गई है। हैदराबाद के एयरफोर्स ट्रेनिंग एकेडमी में आंचल गंगवाल ने मार्च पास किया और इसके साथ ही उनकी एयरफोर्स में कमीशनिंग हो गई। आंचल के पिता सुरेश काफी खुश हैं। सुरेश की माने तो उन्होंने खुद परेशानियां उठाई लेकिन बच्चों की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी और यही वजह है कि आज आंचल ने पूरे देश में उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हर माता पिता चाहता है अपना बच्चा बड़ा बने और कुछ अच्छा करके बताए। बच्चे का भी फर्ज बनता है कि अपन अपने माता पिता के जो सपने हैं उनको पूरा करें, पूरा करने में सहयोग करें, मदद करें। वही अपने बच्चों ने करा। अपने बच्चों ने ये समझो हमारे सपने सजोने में उन्होंने हमारी मदद करी। हमारे जैसे छोटे क्लास के लोगों को में समस्याएं तो आती है, संघर्ष तो होता है, तकलीफें आती है, लेकिन क्या है उससे हमने हिम्मत नहीं हारी। बच्चों को भी हिम्मत नहीं हारने दी, उनको हमेशा ओबलाइज करते रहे ताकि क्या है कि उनको मोटिवेशन मिलता रहे। वायुसेना में अभी फ्लाइंग ऑफिसर लारा लारा अब तुम्हें उनको परसों अवार्ड मिल चुका है, कितना खुश है? बहुत खुश है। पूरा परिवार, पूरा समाज, नामदेव समाज, पूरा शहर, अपना पूरा जिला, पूरा प्रदेश, क्या पूरा देश बहुत खुशी महसूस कर रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा है। टेंशन के लिए दिक्कतें आई, उधार सुधार लेके भी मैंने बच्चों को पढ़ाया, उनको पता नहीं चलने दिया पापा कहाँ से ला रहे पैसे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनका बराबर सपोर्ट करते रहे। वो अपनी उम्मीदों पे पूरा खरे उतरे, ये हमारे को सबसे बड़ी खुशी है। और कल जो फादर्स डे पे उन्होंने जो हमारे को एक तरह से ये हमारे लिए इनाम है, फादर्स डे का, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरा परिवार बहुत खुश है इससे। आंचल गंगवाल शुरू से ही पढ़ने में काफी तेज थी। इतना ही नहीं, खेलकूद में भी आंचल आगे रही। आंचल को शुरू में फिजिकल ट्रेनिंग देने वाले किशन पाल की माने तो वो इस पद की हकदार थी और आज उसे उसका मुकाम मिल गया। आंचल गंगवाल कम से कम 8 साल मेरे पास बास्केटबॉल ट्रेनिंग के लिए आई है। वो स्टेट मेडलिस्ट है, स्टेट में कई गोल्ड मेडल, कई सिल्वर मेडल हैं। मैं आंचल गंगवाल को तब से जानता हूँ जब वो क्लास 8 में मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आती थी। बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड में उसने अपना स्पोर्ट्स किया और एजुकेशन की। मुझे अच्छे से याद है इनके पिताजी ने कितनी मुश्किलों से उस बच्ची को पढ़ाया, कितनी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके इंदौर कोचिंग के लिए भेजा। और सबसे मुश्किल टाइम पीरियड उस लड़की के लिए तब था जब वो मेरे पास आई। उसने बताया, सर मेरे पास 24 दिन है और मुझे 9 किलो वज़न कम करना है। अब 24 दिन में 9 किलो वज़न कम करना और आपको इसके लिए सेलेक्ट होना, क्योंकि जैसा हम जानते हैं CDS बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। आंचल गंगवाल ने 3 दिन तक, मुझे अच्छे से याद है, प्रैक्टिस पीरियड के अंदर 3 दिन तक पानी भी नहीं पिया था 24 घंटे। 3 दिन वो वाटर फास्ट पर रही थी इसमें पास होने के लिए। और आज ये नीमच के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि उस बालिका ने नीमच को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। आंचल गंगवाल को जब पहला जॉब सब इंस्पेक्टर का मिला था MP पुलिस में, तब मैंने उसको कहा था कि आप इसके लिए डिज़र्व नहीं करते, आप ये जॉब छोड़ दो। उसने कहा, सर मेरे फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैं फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहती हूँ मेरे परिवार को और ये जॉब छोड़ना मतलब मेरे लिए असंभव नहीं है। तब मैंने उसको कहा था, आप इसके लिए नहीं, इससे ज़्यादा के लिए डिज़र्व करते हो। तब आंचल गंगवाल ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया और सब इंस्पेक्टर जॉब से रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद आंचल गंगवाल ने लेबर इंस्पेक्टर जॉब लिया। तब मैंने उसको बताया, अब आपके पास टाइम पीरियड फिक्स है। जैसा कि हम जानते हैं पुलिस का जॉब 24 आवर्स का है, तो आप बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आप फिक्स टाइमिंग्स में हैं, जैसे लेबर इंस्पेक्टर सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो बालिका अपनी जॉब करती थी, उसके बाद फिर 4 बजे से लेकर रात तक अपनी स्टडी करती थी और CDS की तैयारी करती थी। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर बनने के लिए आंचल MP पुलिस की सब इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ चुकी हैं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था और वो था एयरफोर्स में ऑफिसर बनना। आज आंचल ने अपने सपने को सच कर दिखाया। नीमच से आकाश चौहान की रिपोर्ट MP तक।